हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास आपकी आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी होने वाली है साधारण ब्याज के सेकंड पार्ट की। कुछ क्वेश्चंस हमने करीब 9-10 क्वेश्चन आपके हमने फर्स्ट क्लास में आपके बताए थे, तो आज हम सेकेंड पार्ट में आपको कुछ और क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे की बात करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन की, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में होता है। तो यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा बोला गया है कि साधारण ब्याज जो है वो बराबर होते हैं उसमें से जितना कि 500 रुपये के समय, ये हमको निकालना है। फर्स्ट वाले जो आपका साधारण ब्याज है उसमें से हमको समय निकालना है, और सेकंड वाले में हमको समय भी दिया है 2 वर्ष, और दर भी दी है 5%, और मूलधन भी दिया है 900 रुपये। तो हमको फर्स्ट वाले में आपको समय निकालना है, और यहाँ पर आपको दर दी हुई है और आपको मूलधन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपना कि साधारण ब्याज बराबर जो आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साधारण ब्याज जो है वो बराबर दिया गया है, यहाँ बोला है उसने कि उतना ही होगा जितना इतना, तो मतलब कि वो जो साधारण ब्याज है दोनों का वो आपका बराबर है। तो यहाँ पर हम रखेंगे पहला मूलधन, पहला मूलधन आपका है 500 रुपये पहला, फिर उसके बाद दर रखेंगे, पहली जो दर है आर की जगह R1, तो यहाँ गुड़े 3 हो जाएगा। गुड़े यहाँ समय हमको ज्ञात करना है, तो हमने माना कि वो एक्स समय है, तो यहाँ हमने एक्स वर्ष मान लिया। देन उसके बाद अपॉन 100 करेंगे, उसके बाद इधर का देखेंगे तो बराबर आपका जो साधारण ब्याज दिया हुआ है वो बराबर है, तो हम इसको बराबर कर लेंगे। तो ये आपका मूलधन है, आपका दूसरा जो मूलधन दिया है वह दिया है आपको 900 रुपये, और उसके बाद जो दर दी है आपको वो 5% की दी हुई है, और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2 वर्ष। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 900 गुड़े 5 गुड़े 2 बटे 100, 100 से आपका 100 कट जाएगा, 00 से आपके 00 कट जाएंगे, 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा आपका, 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वह 3 गुणे 2 मतलब कि 6 वर्ष आ जाएगी। तो यहाँ से आपका जो समय निकल के आएगा वह आपका आ जाएगा 6 वर्ष। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि मोहन 300 रुपये कर्ज के रूप में सोहन को 2 वर्षों के लिए देता है, और 2 वर्ष का ब्याज 72 रुपये चाहता है, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है, मतलब आर की वैल्यू हमको निकालनी है, और यहाँ पर हमको ब्याज जो है दिया हुआ है 72 रुपये, और यहाँ पर जो मूलधन दिया है वो आपको दिया है 300 रुपये। तो यहाँ हमने साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगाया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 72, तो हमने लिख लिया 72 बराबर मूलधन आपका 300 रुपया है, तो 300 गुणे दर हमको ज्ञात करना है, दर हमने माना आर, उसके बाद यहाँ समय दिया हुआ है आपको 2 वर्ष, तो यहाँ हमने लिख लिया गुणे 2 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100 00 इसके, और ये 00 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन इसको 3 से काटेंगे 72 को, तो ये आपका 2 बार जाएगा, देन उसके बाद 4 बार जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे 24 को, तो ये आपका 12 बार जाएगा। तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 12%, तो दर आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ से आपकी 12%, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि कितने समय में 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 496 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में हमको मिश्रधन गिवेन है 496 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये, और यहाँ पर हमको दर दी हुई है 8% वार्षिक। तो यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि समय ज्ञात करना है कि कितने समय में 400 रुपये जो हैं वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर आपका होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 496 माइनस 400, तो 496 से आप जब 400 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 96, तो यहाँ से ब्याज जो आपका निकल के आ जाएगा वो आपका 96 हो जाएगा। देन उसके बाद हम समय निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ से हम जब समय निकालेंगे, ये आपका होता है आपका फॉर्मूला SI = PRT / 100।
तो यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है टी की, तो हमने टी बराबर लिख लिया एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ये आपका बन जाएगा समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में हमको ब्याज दिया है 96, तो हमने लिख लिया ब्याज की जगह 96। उसके बाद गुणे 100 हो गया बटे मूलधन आपका दिया हुआ है 400 और दर दी हुई है आपको 8। ये देखिए हाँ, यहाँ मूलधन आपको दिया है 400 रुपये और दर दी गई है 8%। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो आपका हो गया 96 गुणे 100 बटे 400 गुणे 8। 00 से ये आपके 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 से इसको काटेंगे 96 को, तो ये आपका 12 बार जाएगा। फिर 4 को काटेंगे, 12 को काटेंगे 4 से, तो ये आपका 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, जो समय आ जाएगा आपका, टी बराबर आपका आ जाएगा 3 वर्ष। तो यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, का आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th की। तो क्वेश्चन नंबर 4th है आपका कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, कोई धन है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है हमको यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे तो ब्याज बराबर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है कि जो साधारण ब्याज जो है आपका वह 1/4 के बराबर हो जाता है 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर जो ब्याज है आपका वो आपका मूलधन का 1/4 हो जाता है, तो मतलब ब्याज बराबर आपका हो गया मूलधन गुणे 1/4। तो ब्याज को हम मूलधन इधर लाएंगे बटे में, तो ये आपका हो जाएगा ब्याज बड़े बटे मूलधन बराबर 1/4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास 4 रुपया है और उसमें 1 रुपये ब्याज मिल जाता है, तो आपका मिश्र धन जो हो जाता है वो आपका 5 रुपया हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो 5 वर्ष में 4 रुपये का अगर हम ब्याज देखें, तो यहाँ पर ब्याज जो है आपका वो 1 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से दर निकालेंगे, तो दर आपका देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्याज मिल रहा है गुणे 100 करेंगे, वही दर अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना एस आई इजक्ल टू पी आर टी अपॉन 100 वाला। तो यहाँ से हमको आर निकालना है, तो आर इजक्ल टू हो जाएगा आपका एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे, तो एस आई इजक्ल टू आपका निकल के आया है 1 रुपया, तो हमने लिख लिया 1 गुणे 100 हो गया बटे आपका पी इजक्ल टू मतलब मूलधन यहाँ से 4 है, तो 4 लिख लिया। फिर उसके बाद गुणे करेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे, टी मतलब समय यहाँ पर आपको दिया है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का। तो ये आपके हमने लिख लिया 4 गुणे 5 हो गया। फिर उसके बाद 4 से 100 को जो है 4 से काटेंगे, तो आपका आ जाएगा 25। देन उसके बाद 5 को 25 को जो 5 से काटेंगे, तो आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो दर आपकी निकल के आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 5% की। तो यही क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा, 5% की दर आ जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th की। तो क्वेश्चन नंबर 5th है आपका कि एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया, दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कि मूलधन बराबर आपका होता है ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग। तो यहाँ पर हम प्रत्येक को जो दिया हुआ धन का निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मूलधन ब्याजों का योग जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 2160 रुपये। तो यहाँ हमने लिख लिया 2160 गुणे आपका 100 होता है, गुणे 100 लिख लिया बटे दर यहाँ पर आपको दी गई है 6% की। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में दर दी गई है आपको 6%, तो ये आपका हो गया 6 गुणे आपका हो गया समयों का योग होता है। तो यहाँ पर एक समय दिया है 8 वर्ष, दूसरा दिया है 10 वर्ष, तो 10 और 8 आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2160 गुणे 100 बटे 6 गुणे 18 हो जाएगा। फिर 6 से इसको काटेंगे तो 36/18 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3, 6×6=36 हो जाएगा, ये 0 आपका 360 बचेगा। देन 18 से काटेंगे इसको तो ये आपका 20 पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर हो जाएगा 20 गुणे 100 मतलब कि 2000। तो जो प्रत्येक को दिया हुआ धन है वो आपका 2000 आ जाए। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हमको दिया हुआ है कि 4 वर्ष में मतलब इतने रुपए हो जाता है, हो जाने की बात आती है, मतलब कि वहाँ मूलधन जो होता है वो ब्याज के बाद जो धन बन जाता है, मतलब कि मिश्र धन जो बन जाता है वही हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 वर्ष का हमको मिश्र धन दिया हुआ है 928 रुपये और 6 वर्ष का मिश्र धन दिया है 992 रुपये।
तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो दो वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। मिश्रधन को अगर मिश्रधन से घटाएंगे जितने ईयर्स हैं तो उसमें से आपको ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दो वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो दो वर्ष का ब्याज आपका आ जाएगा 992 माइनस 928 रुपये, तो ये आपको बन जाएगा दो वर्ष का ब्याज आपका आ जाएगा 64 रुपये का। तो दो वर्ष का अगर ब्याज आपका 64 रुपये का है तो एक वर्ष का ब्याज आपका आ जाएगा 64/2 मतलब कि 32 रुपये का। तो यहाँ से एक वर्ष का ब्याज हमको मिल गया है 32 रुपये का। तो अगर हम चार वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 32×4, तो ये आपका बन जाएगा 128 रुपये। अगर देखेंगे आप यहाँ पर एक वर्ष का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर दो दिया है तो मल्टीपल में आप जाएंगे तो चार का निकालना है हमको, तो डायरेक्ट हम दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो का। दो वर्ष का ब्याज हमको निकल के आ गया है यहाँ 64, तो हम यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका चार वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 128। तो ये चार वर्ष का ब्याज आपका निकल के आ गया 128 रुपये। तो यहाँ पर हमको चार वर्ष का जो मूल मिश्रधन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 928 रुपये। तो यहाँ 928 रुपये मिश्रधन है, मिश्रधन माइनस ब्याज करेंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा, और मूलधन ही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मूलधन यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कोई धन, यहाँ पर जैसे कोई धन है तो कोई धन में मतलब कि हमको कोई धन है तो यहाँ पर कोई धन सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है किस दर से मतलब कि दर हमको निकालनी है, तो यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर हम पूरा देखेंगे तो यहाँ मूलधन आपका 800 रुपये का आ गया है, तो यहाँ दर निकालेंगे। तो अगर हम एक वर्ष का ब्याज की बात करें, एक वर्ष का ब्याज आपका 32 रुपये दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SI=PRT/100 मतलब कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक वर्ष का ब्याज आपका दिया है 32 लिख लिए, देन उसके बाद मूलधन आपको दिया है 800 रुपये, ये हो गया आपका 800 गुड़े आप आर निकालना है हमको, और समय दिया है आपका एक साल का, बटे 100 करेंगे तो 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा, तो आर की वैल्यू जो है आपकी वो 4% आ जाएगी, मतलब जो ब्याज की दर आपकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4% की। देन बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज ₹1120 हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पहले मानते हैं कि मूलधन जो है आपका वो पी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको साधारण ब्याज दिया है टोटल जो है तीनों मतलब कि कुल वर्ष बताए गए हैं हमको 9, और यहाँ पर पहले जो वर्ष दिए गए हैं 2 वर्षों का उनका 4% दिया गया है और अगले 4 वर्षों का 6% दिया है, तो बचे कितने वर्ष, तो बचे यहाँ पर आपके 4 और 2 हो गया तो मतलब 6 हो गए, तो बचे आपके 3 वर्ष, 6 हो गए हैं टोटल आपको 9 दिए हैं तो मतलब कि बचे आपके 3। तो जो लास्ट वाला इसमें बोला गया है कि जो कुल साधारण ब्याज मतलब कि जो लास्ट होगा इससे अधिक वाला तो वो आपका बचेगा आपका 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का आपको दिया हुआ है यहाँ पर 8% का। तो यहाँ पर हम वही मल्टीप्लाई करेंगे, अपना फॉर्मूला वही लगाएंगे PRT/100 वाला, तो P कॉमन कर लेंगे क्योंकि मूलधन हमने एक ही माना है, तो मूलधन आपका बाहर हो जाएगा, बाकी आपका अंदर जो दर और समय है वो सभी के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है 1120 रुपये बराबर P हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 4 वर्ष में 2%, हाँ नो 2 वर्ष में 4%, तो ये आपका हो गया 4×2। फिर उसके बाद दिया है 4 वर्ष के लिए 6%, तो ये आपका हो गया 6×4। फिर यहाँ दिया है अधिक समय के लिए मतलब जो बचेगा आपका 4 और 2 हो गया है तो बचा आपका 3, तो यहाँ 3×8% हो जाएगा, तो 3×8/100 हो जाएगा आपका 1120 बराबर आपका हो जाएगा P इंटू 4×8 हो जाएगा, 6×24 हो जाएगा, 3×24 हो जाएगा, 24×24 48 हो जाएंगे, 48×8 आपका 56 हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका P इंटू 56/100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो ये बन जाएगा आपका P=P की वैल्यू निकालनी है हमको, तो P बराबर आपका हो जाएगा 1120×100/56 हो जाएगा, 56 से काटेंगे 1120 को तो ये आपका 20 बार जाएगा, तो P=P यहाँ पर आपका आ जाएगा 2000। तो 2000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो मूलधन आपका निकल के आ जाएगा वो आपका 2000 रुपये आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे समय हमको निकालना है, यहाँ तो समय बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे ×-1/100 हो जाता है आपका। तो यहाँ आप देखेंगे समय हमको निकालना है तो समय बराबर आपका हो जाएगा
माइनस वन गुना यहाँ कितने दिए हैं, तीन गुना, तो तीन माइनस वन गुणे सौ बटे दर दी गई है 5%, तो बटे पाँच हो गया। तीन में एक घटाएंगे तो आपका दो बचेगा, दो गुणे सौ बटे पाँच, पाँच से काटेंगे सौ को तो आपका 20 पड़ जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 40 वर्ष, जो समय आपका निकल के आएगा वो आपका 40 वर्ष निकल आएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कोई धनराशि हमको दी, यहाँ पर जो गुना दिया होता है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे 20 बटे आपका T2 निकालना है आपका, T1 और T2 बटे T2 वाला करते हैं हम। तो यहाँ T1 बटे T2 इज इक्वल टू जो पहले का गुना दिया है माइनस वन बटे दूसरे का गुना माइनस वन, दोनों में हम माइनस वन कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 20 बटे T2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 अपॉन 13 माइनस 1। तो ये आपका बन जाएगा 20 बटे T2 इज इक्वल टू 7 में 1 जाएगा आपका 6 बचेगा, बटे 13 में 1 जाएगा आपका 12 बचेगा, 12 को काटेंगे 6 से तो आपका 2 बार जाएगा। तो 20 बटे T2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 वर्ष, तो जहाँ समय जो आपका निकल के आएगा दूसरा वाला वो आपका आ जाएगा 40 वर्ष। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि रमेश ने रुपये 10,000 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, और गणेश ने रुपये 5,000 20 वर्ष के लिए उधार, दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें, तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था। तो यह हम देखेंगे कि हमको साधारण ब्याज है जो बराबर बता रहा है कि जो दिया गया है वो बराबर है। तो यहाँ से हम वही फार्मूला लगाएंगे अपना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ, तो बटे बटे सौ में से आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है मूलधन, आपका फर्स्ट में दिया है 10,000, ये आपका मूलधन इधर दिया है आपका 10,000। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो दिया है दर वो आपको दी है 12% की, फिर उसके बाद वर्ष दिया है आपको 5 वर्ष, बराबर में आपको हो जाएगा 5,000 गुणे 20 वर्ष, और यहाँ पर हमको R2 निकालना है, मतलब दूसरे की दर निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 000 से ये 000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले 0 से आपका ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 बार जाएगा, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 6% की आ जाएगी। तो यहाँ पर जो दर आपकी निकल के आ जाएगी वो आपकी 6% की आ जाएगी। ये देखिए वही क्वेश्चन आपने कि यहाँ पर किया है हल, तो यहाँ आपका हो गया 10,000 गुणे 12 गुणे 5 बराबर 5,000 गुणे 20 गुणे R2। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर 5 से 5 को कैंसिल कर दिया है, 000 से ये आपके 000 और ये 0 से आपका ये 0, 2 से इसको काटेंगे 6 बार, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके वे हम सारे क्वेश्चन करा देंगे जो भी और बनते हैं। बाकी आपकी कल शायद आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास लेकर आए। ओके, थैंक यू।